मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की शादी हुई थी। जहाँ तक विवाह की बात है तो पुराणों में विष्णु लक्ष्मी विवाह, गणेश जी का रिद्धि सिद्धि विवाह, राम सीता विवाह, रुक्मणी कृष्ण विवाह के साथ ही शिव पार्वती के विवाह की भी खूब चर्चा होती है। इस विवाह की चर्चा हर पुराण में मिलेगी। भगवान शंकर ने सबसे पहले सती से विवाह किया था। यह विवाह बड़ी कठिन परिस्थितियों में हुआ था क्योंकि सती के पिता दक्ष इस विवाह के पक्ष में नहीं थे। हालांकि उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर सती का विवाह भगवान शंकर से कर दिया। राजा दक्ष द्वारा शंकर जी का अपमान करने के चलते सती माता ने यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। इसके बाद शिव जी घोर तपस्या में चले गए। सती ने बाद में हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। उस दौरान तारकासुर का आतंक था, उसका वध शिव जी का पुत्र ही कर सकता था, ऐसा उसे वरदान था। लेकिन शिव जी तो घोर तपस्या में लीन थे। ऐसे में देवताओं ने शिव जी का विवाह पार्वती से करने के लिए एक योजना बनाई। उसके तहत कामदेव भंग करने के लिए भेजा गया। कामदेव ने तो तपस्या भंग कर दी लेकिन वे खुद भस्म हो गए। देवताओं के अनुरोध और माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर बाद में शिव जी ने पार्वती से विवाह किया।